हेलो गाइस, तो गाइस आज हम बात करेंगे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बात करूंगा वीडियो की एंडिंग में एक छोटे से अपडेट के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल का है। तो चलिए स्टार्ट कर दे दिस वीडियो। तो गाइस अपडेट ये है कि हम एक अपकमिंग मार्वल और डिज्नी प्लस की जो टीवी सीरीज आ रही है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जो कि रिलीज होगी अगस्त के महीने में। जी हाँ, अगर टाइम पे शूट हो जाता है तो अगस्त के महीने में जो टीवी सीरीज आ रही है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, उसमें हमें क्रिस इवांस यानी कि उनका जो कैरेक्टर है, जो कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैरेक्टर प्ले करते हैं स्टीव रॉजर्स का, वो कैरेक्टर हमें दोबारा से देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आता है इस अपडेट में कि हमें स्टीव रॉजर्स देखने को मिलेंगे, कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेंगे। अब सारे व्यूवर्स ये बोल रहे होंगे जो मार्वल फैन है कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है, भाई स्टीव रॉजर्स ही तो कैप्टन अमेरिका है। भाई कैप्टन अमेरिका था, अब वो एवेंजर्स एंड गेम के बाद ओल्ड हो चुका है, और जो अपडेट आया है कि हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में स्टीव रॉजर्स देखने को मिलेंगे, कैप्टन अमेरिका देखने को नहीं मिलेंगे। तो यानी कि हमें क्रिस इवांस का ओल्ड कैरेक्टर वर्जन देखने को मिल सकता है, कोई कैमियो हो सकता है, कोई प्रॉपर एक शूट हो सकता है, सीन हो सकता है, या फिर एक ऐसा सीन हो सकता है जिसमें कि हमें क्रिस इवांस यानी कि स्टीव रॉजर्स एक अच्छी सी सभा में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस टाइप का हमें सीन दिखाया जा सकता है जिसमें कि फैल्कन को कोई प्रॉब्लम हो सकती है और वो स्टीव के पास मिलने जाता है, तो इस टाइप के हमें सीन दिखाई जा सकते हैं। तो देन ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि मैं हमेशा स्टीव रॉजर्स को एक्शन सीन में देखना चाहता हूँ, पर क्या करें, दूसरी टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी है और इस टाइम कैप्टन अमेरिका ऑल्टरनेट टाइमलाइन में है और स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स एंडगेम के बाद है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जो कि हमें आने वाली कड़ी में दिखाया जा सकता है। अगर ये अपडेट ऐसा हुआ आने वाले फ्यूचर में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमें स्टीव रॉजर्स देखने को मिले, तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा। और देन मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ जब से मेरे को ये अपडेट पता चला है। तो गाइस हमें इन फ्यूचर डिज्नी प्लस में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में स्टीव रॉजर्स दोबारा देखने को मिलेंगे, बट एक्शन सीन में हमें कैप्टन अमेरिका नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही कैप्टन एक उस अवतार में देखने को मिलेंगे जैसा कि एवेंजर्स एंडगेम में देखा। और देन बात करते हैं छोटे से अपडेट के बारे में, तो आपके लिए कुछ खबरी, अगर आप एक नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर हो, मैंने काफी सारे अपडेट डाले अपने ट्विटर अकाउंट पर जाके चेक कर लेना, पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट है क्रिस इवांस से रिलेटेड, उनकी एक मूवी है स्नोपियर जो कि बहुत ही कमाल की मूवी है, और देन एक इंजन, एक कह सकते हो आप ट्रेन के डिब्बे में 25 साल तक कैसे लोग जिंदा रहे, और देन जब उनका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उन्होंने उस ट्रेन के डिब्बे से आगे कैसे बढ़े, तो बहुत ही कमाल की मूवी है। लॉकडाउन चल रहा है और देन आपको रियलाइज होगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अलावा भी कितनी अच्छी अच्छी मूवीज हैं, तो गाइस जाके देखना नेटफ्लिक्स पर, और देन उसकी रिलीजिंग डेट जानने के लिए मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाके चेक कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रीनेम आपको ये वीडियो पसंद आता तो भी लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो या तो उस पर कैप्टन के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना, बाय बाय, जा रहो।